इस क्लास के दौरान अक्सर औकात एक सवाल स्टूडेंट के जहन में राइज हुए हैं कि पीएमसी पीएमडीसी वगैरह ये क्या होगा, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि सेनेट से बिल पास होने के बाद अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट इसे अप्रूव करेगा, तो फिर जाके पीएमसी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट इन्हें अप्रूव नहीं करेंगे, तो अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव नहीं करेंगे तो ये दोबारा ज्वाइंट सेशन में जाएगा, और फिर कहीं हम ज़्यादा इसकी बात नहीं करते लेकिन कम अज़ कम इन तमाम टाइम में 2 महीने लग जाएंगे। तो जब 2 महीने लगेंगे तो फिलहाल ये जो टेस्ट है ये पीएमसी ही कंडक्ट करवाएगा। फिर तो उसके बाद स्टूडेंट ये होगा कि पीएमसी सब टेस्ट कंडक्ट करवा लेगा, और सपोज ये तमाम जो प्रोग्राम है लेट सपोज पीएमसी डिसॉल्व हो गई, तो फिर सूबों को अख्तियार चले जाएंगे। अब जब सूबों को अख्तियार चले जाएंगे तो सूबे ये डिसाइड करेंगे कि वो अपना टेस्ट लें, क्योंकि पीएमसी का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका होगा उस स्तर तक। तो स्टूडेंट जो खैबर पख्तूनख्वा का मुझे जो लगता है मेरा जो तासुरात है, तो खैबर पख्तूनख्वा जो है कोशिश करेगा कि वो पीएमसी के ही टेस्ट को वो मेंटेन रखे और इसके रिजल्ट को आगे लेके जाए, क्योंकि आपको पता है कि पीएमसी बनाने में जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो इन्वॉल्व थी, वो तमाम आपको सारा को पता है। मैं ज़्यादा खासा जो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इन शॉर्ट एंड समरी में आपको ये कहता हूँ तमाम स्टूडेंट को मेरी एडवाइस है कि वो फिलहाल तैयारी पीएमसी के मुताबिक करें और अपने लिए स्टडी करें। खैबर पख्तूनख्वा के जो स्टूडेंट हैं स्पेशली, हाँ इफेक्ट पड़ सकता है तो सिर्फ सिंध के स्टूडेंट पर पड़ सकता है, लेकिन जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है मुझे लगता है कि उनका पीएमसी का ही टेस्ट बहाल रहेगा और उसके मुताबिक ही उनमें एडमिशन किए जाएंगे। ये कन्फ्यूजन थी जो मेरे ख्याल में, और वाजह है ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसमें जरूरी कोई वो नहीं है, तो ये मेरी ज़ाती राय है, इसके उल्टा भी हो सकता है। Thank you very much.